हाय मेरे प्यारे बच्चों बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 साइंस 2 का एनिमल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर को समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें समझेंगे। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म सब लोग जानते हो, जानदार चीज है ना, जो सांस ले सकता है, जो खाता पीता है, जो एक्सक्रीशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। कुल मिला के मैंने आपको शॉर्ट में से पहले वाले चैप्टर से बताया था कि जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो। क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब क्या बेटा जी? हमारे बॉडी के अंदर होने वाले हर एक रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। चाहे वो खाना हो, सांस लेना हो, हर चीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और जो सेंस एंड रिस्पॉन्ड करे उसको बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बच्चा इस अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब 8.7 मिलियन स्पीसीज, लगभग 8.7 मिलियन यानी कि 87 लाख स्पीसीज। स्पेसी मतलब ये हुआ कि देखो मंकी एक स्पेसी हो गया, ठीक है, रैबिट एक स्पेसी हो गया, समझ में आ रहा है, डॉग एक स्पेसी हो गया, कैट एक स्पेसी हो गया, इसी तरह एनिमल हम लोग, ह्यूमन एक स्पेसी हो गया, ह्यूमन, ठीक है। तो इतने ये सब अलग अलग स्पेसी हैं, तो इस तरह टोटल 87 लाख स्पेसी है। सोचो इस अर्थ पर इतनी सारी स्पेसी है, तो क्या इनकी स्टडी करना आसान है? भाई साहब इसकी स्टडी करते करते आपके पर पोते, छर पोते और कौन कौन से पोते की भी मौत हो जाएगी, तो भी स्टडी नहीं कर पाओगे एक एक स्पेसी के बारे में अगर स्टडी की जाए तो। क्लियर है? तो इसीलिए क्या किया गया, इन सारे स्पेसी को एक ग्रुप में बांट दिया गया। जिस तरह मान लो कि इस दुनिया में इतने लोग हैं, ठीक है, अब इस दुनिया के लोगों को अलग अलग कंट्री में बांट दिया गया, जैसे अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना, अलग अलग कंट्री हो गया। तो अभी हम जानते हैं कि भाई इंडिया में जो लोग रहते हैं ना उनका कलर जो होता है ना वो सांवला होता है, बादामी कलर है। ऑस्ट्रेलिया में जो लोग रहते हैं ना उनका गोरा कलर होता है। वेस्ट इंडीज के जो लोग होते हैं समझ जाओ, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये होता है, चलो ठीक है समझिए, कहने का मतलब क्या है भाई कि ये हम समझ चुके हैं क्या कि अलग अलग रीजन के लोग अलग अलग तरीके से होते हैं। तो एक ग्रुप हो गया ना पूरा, इंडियन ऐसे दिखते हैं, अमेरिकन ऐसे दिखते हैं, बड़ा ग्रुप हो गया। अब उसके अंदर भी इंडिया में भी स्टेट बांट दिया गया, हाँ भाई महाराष्ट्र वाले ऐसे दिखेंगे, उनकी लैंग्वेज क्या होगी? मराठी होगी। अभी वेस्ट बंगाल वाले ऐसे दिखेंगे भाई, थोड़े मोटे तगड़े, वो बंगाली बोलेंगे, है कि नहीं? तो सबका अलग अलग है। दिल्ली, ठीक है, थोड़ा हरियाणवी लैंग्वेज होगी हरियाणा में, तो सबका दिखने का भी लुक अलग है, बोलने का भी अलग है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इन सारे समझो कि इतने ही जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस को पहले कंट्री में बांट दिया गया, फिर कंट्री के अंदर स्टेट्स हैं, स्टेट के अंदर भी फिर क्या डिस्ट्रिक्ट है भाई, जैसे महाराष्ट्र में हम लोग पुणे डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। तो कहने का मतलब बिल्कुल उसी तरह सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जिस बड़े ग्रुप को हम लोग बोलते हैं किंगडम। क्या बोलते हैं? किंगडम, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, बस मैं रिवाइज कर रहा हूं, किंगडम। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं ना बेटा जी किंगडम की, तो एक बड़ा ग्रुप है किंगडम, यानी कि इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 बड़े ग्रुप में बांट दिया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा जी? किंगडम, ठीक है। टोटल कितने किंगडम है? 5 किंगडम। कितने है बेटा जी? 5। कौन कौन है याद है आपको? यस सर, बोलो बेटा। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, पहला क्या किंगडम? मोनेरा। दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। तीसरा किंगडम, किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी। चौथा किंगडम फंगाई, किंगडम फंगाई। और पांचवा किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया। मतलब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा जी, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 बड़े ग्रुप में बांट दिया गया ताकि उनकी स्टडी आसान हो जाए। 5 अलग अलग ग्रुप है। और हम लोग किसके अंदर आते हैं? एनिमेलिया के अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि हम एनिमल है, जानवर है। एनिमेलिया क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम में और एनिमल्स में सिमिलर है, तो बेसिकली सिमिलैरिटी के ऊपर ग्रुप में बांट दिया गया है, जो जो एक जैसे सिमिलर है। तो कितने किंगडम है? 5 किंगडम है। और हमारा जो ये लेसन है कौन सा है? ये किंगडम एनिमेलिया, ये एनिमल। अब किंगडम एनिमेलिया के अंदर भी अलग अलग ग्रुप होंगे, सब ग्रुप्स एनिमल के अंदर भी। एनिमेलिया एक बड़ा सा ग्रुप हो गया, है ना। टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 पार्ट में बांटा गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? किंगडम। क्या बोलते हैं बेटा जी? किंगडम। तो किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, फंगाई और एनिमल। अब ये ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, उसको भी ग्रुप में अलग बांटा गया है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप है, मेजर ग्रुप है। तो सीन क्या हुआ ना बेटा जी, इसको क्लासिफिकेशन ऐसे इस तरीके से करेगा, पहले जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको 2 कैटेगरी में पहले बांटा जाता है, 2 कैटेगरी में मेन। क्या क्या? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। देखो हम जानते हैं जो सेल होता है हमारा नॉर्मल, उस सेल के अंदर सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ये हम सब लोग जानते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा जी? डीएनए, है ना, डीएनए बोल लो, क्रोमोसोम बोल लो, है कि नहीं, जो क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, वही हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिफिकेशन है, हमारा आधार कार्ड है, रियल है कि नहीं? कौन? डीएनए। तो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए।
और डीएनए ही है जिसकी वजह से हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, हमारे बॉडी का फंक्शन डिसाइड होता है ना, क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन होते हैं जो हमारे माँ बाप से मिलते हैं हमको, है कि नहीं, इसीलिए हम अपने माँ बाप जैसे दिखते हैं। ठीक, तो बेटा ये सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। तो जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा, मतलब दो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी जानदार हैं, 87 लाख जो जानवर जानदार की स्पेसी है, इन स्पेसी को दो भाग में पहले बांट दिया गया, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म, एक ऐसे जानदार लिविंग जिनके बॉडी में न्यूक्लियस नहीं होता है या अच्छे से डेवलप नहीं होता है, और एक ऐसी कैटेगरी जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस डेवलप्ड होता है। तो दो कैटेगरी पहले बनाई गई, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। क्या बोलते हैं बेटा जी, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ठीक है, देखो प्रो मतलब फर्स्ट, पहला, बोलते ना मैं इस गेम में प्रो हूं, है ना, प्रो मतलब फर्स्ट, और कार्यो मतलब न्यूक्लियस, कार्यो मतलब न्यूक्लियस और प्रो मतलब फर्स्ट। ठीक ठीक ठीक, मतलब न्यूक्लियस पहले कैसा रहा होगा, बन रहा होगा, अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होगा, मतलब यहां पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होगा वो वेल डेवलप, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप, क्या न्यूक्लियस डेवलप्ड होगा, नहीं होगा, मतलब जिसके सेल के न्यूक्लियस डेवलप नहीं होते हैं उनमें क्या आता है, उसको बोलते हैं ना प्रोकैरियोट्स। देख ग्रुप बनाया गया, दो मेन ग्रुप पूरे जानदार को, एक प्रो जिसका न्यूक्लियस नहीं होगा, और एक यू, यू मतलब ट्रू, यू मतलब ट्रू, और कार्यो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ट्रू न्यूक्लियस मतलब जिसके सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज वेल डेवलप, न्यूक्लियस क्या होगा बच्चा, अच्छे से डेवलप होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूकैरियोट। ये क्लियर हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने ग्रुप में बांटा गया, दो मेन, प्रो और यू, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, न्यूक्लियस किसी, इसका यह मतलब नहीं कि इसमें न्यूक्लियस नहीं तो डीएनए नहीं होगा, होगा डीएनए होगा, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा, सेल में कहीं पे भी होगा। ठीक है, डीएनए सब में होगा क्योंकि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, समझ में आ रहा है, तो बस न्यूक्लियस नहीं होगा तो प्रो और न्यूक्लियस होगा तो यू, यहां तक क्लियर है। तो इस प्रोकैरियोट के अंदर एक ग्रुप बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं मोनेरा, यही हमारा किंगडम मोनेरा, इसको बोल देगा किंगडम, क्या बोल देगा, किंगडम। इसमें कौन आते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है, इसके अंदर आता है बैक्टीरिया, मोनेरा के अंदर क्या आता है बेटा जी, बैक्टीरिया। आपने सुना ना दही में बैक्टीरिया होता है, कर्ड में कौन सा, लैक्टोबैसिली, क्या लैक्टोबैसिली, मालूम है ना, तो लैक्टोबैसिली ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया किसमें आता है, मोनेरा में आता है। इसके अलावा इस्चेरिका कोलाई हमारे इंटेस्टाइन में आता है, ई कोलाई, ये आता है मोनेरा के अंदर, या मैंने बोला लैक्टोबैसिली, वैसिली, वैसिली लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो ये सब बैक्टीरिया किसके अंदर आते हैं, मोनेरा के अंदर, यानी कि मोनेरा के अंदर कौन आने वाला है, बैक्टीरिया आने वाला है, और बैक्टीरिया तो जानते हो ना भाई। ठीक, अब यूकैरियोट को आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड किया गया, याद रखना ये जो प्रोकैरियोट मोनेरा होते हैं ये सिंगल सेल वाले होते हैं, मतलब ये होता है यूनिसेलुलर, क्या होते हैं बेटा जी, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। अच्छा, अब यूकैरियोट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी कि जहां पे न्यूक्लियस ट्रू है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो मेन पार्ट, पहला वेरी गुड यूनिसेलुलर, ठीक है, सिंगल सेल वाले यूनिसेलुलर, और दूसरा वेरी गुड मल्टी सेलुलर, यूनि मतलब एक, मल्टी मतलब कई, एक सेल, यानी कि प्रोकैरियोट की बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी है, और यहां पे भी यूकैरियोट में भी कुछ एक ऐसे हैं ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक सेल से बनी है, एग नहीं बोला, एक सेल, वन सेल, और कुछ ऐसे जिनकी बॉडी कई सेल से बनी है, मल्टी सेलुलर, हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर। हमारे बॉडी के अंदर 37.2 trillion सेल्स, मतलब 37.2 पे कितनी बार जीरो, 12 बार, 0000000000000, इतना ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होता है, सबसे कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी होती है। हाँ, ठीक, अब इसके अंदर आता है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा, क्या आता है, किंगडम प्रोटिस्टा। देखो ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवोल्यूशन इसी फॉर्म में हुआ है, मतलब हम पहले क्या थे, हम पहले समुद्र में पाए गए, हम पहले बैक्टीरिया थे, और उस बैक्टीरिया के बाद हम धीरे 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 अमीबा वगैरह बने, पैरामीशियम वगैरह बने, और धीरे 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 इवोल्यूशन हुआ। तो इवोल्यूशन के बेसिस पे सीक्वेंस को फॉलो करना है हमको, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद प्लांटी, प्लांटी के बाद फंगाई, फंगाई के बाद एनिमेलिया। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन की थ्योरी के हिसाब से, तो ये हो गया तुम्हारा प्रोटिस्टा, कौन सा किंगडम, सेकंड नंबर वाला, और ये फर्स्ट नंबर वाला। अब इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आते हैं प्रोटोजोआस, क्या आते हैं बेटा जी, सर ये क्या होता है, अरे बेटा ये होता है पैरासाइट्स, मतलब बॉडी के अंदर रहेंगे और नुकसान पहुंचाएंगे, जैसे अमीबा, अमीबा रिप्रोडक्शन में पढ़ाया मैंने, अमीबा कैसा भी बना दो बस कोने निकलना चाहिए, अमीबा, तो अम्मी अब्बा, अमीबा, अमीबा, ठीक है, अमीबा।
और चप्पल जैसा क्या होता है भाई? पैरामीसियम, चप्पल जैसा होता है, याद है? चप्पल जैसा होता है ऐसा, और यहाँ पे ऐसा सीलिया स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? तो अमीबा, पैरामीसियम, ये सब होते हैं प्रोटोजोआ, युगलेना, ठीक है, ये सब। ये अगर हमारी बॉडी में आते तो हमको तरह तरह की बीमारी होती है, जैसे अमीबा आएगा तो अमीबियासिस, इससे बार बार जाना पड़ेगा वॉशरूम, है कि नहीं? ठीक है, लूज मोशन हो जाएगा। तो ये गंदा पानी, गंदा पानी या गंदा खाने से होता है, इसीलिए रोड पे का खाना पानी खाना चाहिए ना, नहीं खाना चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया प्रोटिस्टस, प्रोटिस्टस समझ में आया, अमीबा पैरामीसिस सब आएंगे, उनको हम लोग बोलते हैं प्रोटोजोआ। याद रखना, बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है, सर अमीबा बैक्टीरिया जैसा है क्या, या बैक्टीरिया है क्या? अमीबा ना ही बैक्टीरिया है ना ही फंगाई है, अमीबा जो है वो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टस को बोलते हैं प्रोटिस्ट या प्रोटोजोआ, ठीक है? ना ये बैक्टीरिया है ना फंगाई, याद रखना, ठीक, ओके। तो अमीबा हो गया, पैरामीसियम हो गया, सब किसके अंदर आता है? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। तीसरा है हमारा प्लांटी। अब मल्टी सेलुलर में भी दो तरीके, बोलिए भाई क्या क्या? विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, है ना? विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। अब ये क्या होता है? तो बेटा जब जानते हैं कि हमारी बॉडी में सेल वॉल है क्या, नहीं है, ये स्किन है हमारी बॉडी में, लेकिन प्लांट को देखना सेल वॉल है, प्लांट का स्टेम का देखना, ऊपर जो छाल के ऊपर जो निकलता है पपड़ी बन के देखो, देखा रहेगा, है कि नहीं? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल वॉल। तो प्लांट में होता है सेल वॉल, इवन फंगाई में भी सेल वॉल होता है। फंगस मालूम है ना, ब्रेड मोल्ड्स, अरे रोटी पे लग जाता है वाइट वाइट, वो तो मालूम है, या मशरूम, मशरूम, हाँ मशरूम, अम्ब्रेला जैसा लगता है, एकदम सही। तो मशरूम या रोटी में जो लगता है कि नहीं? तो वो सब क्या है हमारा? फंगाई, उसको बोलते हैं फंगाई, जो ब्रेड मोल्ड्स हो गया या मशरूम हो गया। और प्लांट तो आपने देखा ही है, उसके स्टेम के ऊपर कवरिंग होती है, मतलब कहने का मतलब उनके सेल के ऊपर एक कवरिंग होती है, एक वॉल होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सेल वॉल। तो सेल वॉल वाले में दो आएगा, देखो मैंने बता दिया, एक आएगा ऑटोट्रॉफ और एक आएगा हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या? जो अपना, ऑटो मतलब खुद, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, ठीक है? ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और हेटरोट्रॉफ का मतलब बेटा जी, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। हेटरो मतलब दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, ट्रॉफ न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, क्लियर? तो ऑटोट्रॉफ में बेटा जी आएगा कौन अपना खाना खुद बनाता है? प्लांट, प्लांट। तो इसमें क्या आएगा? किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांट। और हेटरोट्रॉफ में कौन आएगा? फंगाई, फंगाई जो होते हैं ना वो डीकम्पोजर्स होते हैं, मतलब दूसरे को खाते हैं, ठीक है? कोई मरे हुई चीज को खाते हैं, डीकम्पोजर्स, कोई चीज मर गया तो उसको खाएंगे, समझ में आया? तो फंगाई, देखो ना रोटी, रोटी मर नहीं जाता लेकिन खराब हो जाता तो उसको खाता है ना, या मान लो कोई मर जाएगा तो उसकी डेड बॉडी को भी खाते हैं, तो फंगाई। फंगाई का एग्जाम्पल सबसे बेहतरीन ब्रेड मोल्ड्स, मशरूम, ठीक। इसके अलावा बहुत सारे हैं, सैक्रोमाइसिस, सेरेबसी, जैसे और भी बहुत सारे हैं, खैर ये हो गया फंगाई। उसके बाद ये चार किंगडम हो गया, पांचवा है हमारा जिसमें सेल वॉल नहीं होता है, वो है हमारा किंगडम एनिमेलिया, और यही है हमारा लेसन। तो हम ये चार किंगडम के बारे में बात नहीं करने वाले, हम इसके बारे में नहीं पढ़ने वाले, इसके बारे में नहीं, इसके बारे में नहीं, इसके बारे में नहीं, इसके बारे में पढ़ने वाले। तो हमारा ये पूरा चैप्टर इसके बारे में, एग्जैक्टली समझ में आया पढ़ना क्या? इसीलिए अब इस एनिमल्स को, किंगडम एनिमेलिया तो हो गया एक बहुत बड़ा ग्रुप एनिमेलिया, अब एनिमेलिया के अंदर भी ग्रुप्स और सब ग्रुप बनाया गया, क्योंकि एनिमेलिया में बहुत सारे एनिमल्स है ना। अब जो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? बंटवारा, क्लासिफाई करना। जैसे मैंने आपको बोला था 118 एलिमेंट केमिस्ट्री बताया था, टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं। अब उनको सबको याद रखना आसान नहीं है, तो उनको एक ग्रुप और पीरियड बनाया गया। देखो हमने पढ़ा है होलीना, खेल, रबीना, सजना, फरार, याद है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इन सबकी वैलेंसी कितनी होती है? वन। सबकी वैलेंसी कितनी होती है? वन। सबकी प्रॉपर्टी भी एक जैसी है, केमिकल प्रॉपर्टी, सब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। तो इन सब की हमने पढ़ाई एक साथ कर ली। उसी तरह बहुत सारे एनिमल होते हैं जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी मैच करती है, सिमिलैरिटी, बहुत सारी सिमिलैरिटी होती है। जैसे मैंने उनके हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब क्या? रहते कहाँ है, रहते कहाँ है, उनके रहने की जगह, हैबिट, उनका खान पान क्या है, खाते क्या है, पीते क्या है, ठीक है? तो बहुत सारे एनिमल का एक जैसा है, तो उनको एक ग्रुप में बांट, एक ग्रुप बना दिया गया, ठीक है? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बोला था कि 10th के बच्चे, 11th के बच्चे, अब सारे बच्चों का नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम ये याद रखना भाई 10th में ये लोग आते हैं। या मान लो कि 10th के बच्चे अगर शैतानी कर रहे हैं ज़्यादा लोग, तो मैं ऐसा बोलूँगा नहीं यार 11th के बच्चे अच्छे नहीं हैं, अच्छे हैं वो शैतानी नहीं करते हैं, लेकिन 10th के बच्चे अच्छे शैतानी करते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रॉपर्टी जिसकी मैच करेगी वही हो गया ना। तो 10th की बैच को कैसे पहचाना जा रहा है? कि वो शैतानी करते हैं।
और इलेवंथ की वजह से पहचाना जा रहा है कि वो शैतानी नहीं करते, समझ में आ रहा है ना। तो मतलब सिमिलैरिटी देखा गया कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में एक जैसी सिमिलैरिटी अगर आती है तो उसको एक ग्रुप बना दिया गया, आया समझ में। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एक ग्रुप बना दिया गया, ठीक है, जिसके अंदर, क्योंकि एक एक एनिमल की स्टडी करना आसान नहीं है, इसीलिए सबके लिए क्या कहें, ग्रुप और सब ग्रुप बना दिया गया ताकि उनकी स्टडी आसान हो जाए। और वही हमको पढ़ना है कि एनिमल को किस किस तरह क्लासिफाई किया गया। यहां तक क्लियर है? यस सर। तो चलो ये वाला इरेज करूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाक से भाई आप लोग ले लीजिए, इन लोग तो ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो किंगडम एनिमिलिया को मेजर दो ग्रुप में बांटा गया, एक कॉर्डेट्स और एक नॉन कॉर्डेट्स। क्या इस एनिमल को, किंगडम एनिमिलिया को मेजर पहले दो ग्रुप में बांटा, उस ग्रुप को बोलते हम लोग कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। अब ये क्या होता है, देखो, किसी की बॉडी में नोटोकॉर्ड होता है और किसी की बॉडी में नोटोकॉर्ड नहीं होता है। तो जिसकी बॉडी में नोटोकॉर्ड होता है उसको कॉर्डेट्स बोलते हैं, जिसकी बॉडी में नोटोकॉर्ड नहीं होता है उसको नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। अब सर ये नोटोकॉर्ड होता क्या है, तो आइए समझते हैं। देखिए बेटा, ये डायग्राम मैंने बना रखा है, ये डायग्राम एक एम्ब्रियो का है, यानी कि बच्चे का है, वो बच्चा जो माँ के वोम में रहता है, यूटेरस में, माँ के यूटेरस में जब बच्चा रहता है तो इस तरीके से वो दिखता है, ठीक है। अब ये बेबी को अगर आप देखोगे तो ये जो रेड वाला पार्ट जो बनाया गया है, बच्चा, रेड वाला मार्कर किधर है, कहाँ पे है भाई, ठीक है। तो ये रेड वाला जो है, रेड वाला, इसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है? तो नोटोकॉर्ड एक सपोर्ट लाइक स्ट्रक्चर है जो बेबी में रहता है। ये बेबी का देखो, ये बेबी है, बेबी को सपोर्ट करने के लिए जो है ये बेबी है, ठीक है। बेबी के सपोर्ट के लिए क्या है? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है? एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको? बेबी को। नोटोकॉर्ड क्या है? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको? बेबी को। क्लियर है? नोटोकॉर्ड इज रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है? जो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स में, कुछ में होता है और कुछ में नहीं होता है। जिनमें होता है उसको बोलते हैं कॉर्डेट्स, जिनमें नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। अब थोड़ा सा और बता रहा हूँ, ये जो नोटोकॉर्ड होता है ना बेटा, सर ये है क्या लेकिन एग्जैक्टली, जब हम बड़े हो जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं, तो ये नोटोकॉर्ड बन जाता है वर्टेब्रल कॉलम, स्पाइनल बोन, रीढ़ की हड्डी। ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी, हाँ, वर्टेब्रल कॉलम, क्या बोलते हैं उसको? वर्टेब्रल कॉलम, या स्पाइनल बोन बोल लूं। क्या बन जाता है ये नोटोकॉर्ड? आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाता है भाई? स्पाइनल बोन। स्पाइनल कॉर्ड मत बोलना, स्पाइनल कॉर्ड अलग चीज है। देख लो यहां पे मैं बता रहा हूं, यहां पे इस वाले में बता रहा हूं मैं, इस तरीके से ये हमारा होता है स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि रीढ़ की हड्डी, बोन, नॉट कॉर्ड। और इसके अंदर होता है बेटा जी स्पाइनल कॉर्ड, ये ऐसा ऐसा, ये स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो बिल्कुल आप समझो स्नेक के जैसा, एकदम फ्लेशी ऑर्गन होता है, फिसलता है वो बिल्कुल स्नेक के जैसा, ठीक है। तो ये हमारा क्या, ये जो मैंने बनाया ब्लू से, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, और बेटा ये जो ब्लैक से बनाया वो क्या है? स्पाइनल बोन, हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम है वर्टेब्रल कॉलम। क्या? वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड जो है वो एडल्ट होने के बाद, यानी कि जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, तो वो नोटोकॉर्ड क्या बन जाता है? वर्टेब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी बन जाती है ना, सपोर्ट को, रीढ़ की हड्डी सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना, अगर रीढ़ की हड्डी नहीं रहा तो ऐसे चलेंगे, है कि सिंपल सी बात, ऐसी कह सकते हम खड़े हुए हैं तन के, ठीक है। तो ये नोटोकॉर्ड का कहानी समझ में आया, तो जिसमें नोटोकॉर्ड होगा कॉर्डेट्स, जिसमें नोटोकॉर्ड होगा अरे सुन लिया करो भाई, जिसमें नोटोकॉर्ड होगा कॉर्डेट्स, जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं होगा नॉन कॉर्डेट्स, समझ में आया। तो नो कॉर्डेट वाले में क्या लिख दूं मैं? नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट लिख दूं भाई? क्या लिख दूं? वेरी गुड, नोटोकॉर्ड इसमें जो होगा वो प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा, और इसमें नोटोकॉर्ड होगा? इसमें नोटोकॉर्ड अब्सेंट होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं होगा नॉन कॉर्डेट, जिसमें नोटोकॉर्ड होगा वो कॉर्डेट। तो बताओ हम लोग किस में आएंगे, कॉर्डेट में कि नॉन कॉर्डेट में? कॉर्डेट में, क्योंकि हमको नोटोकॉर्ड है, अरे वर्टेब्रल कॉलम है ना, रीढ़ की हड्डी है ना, तो हम लोग किस में आएंगे? कॉर्डेट। क्लियर हुआ? कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स, थोड़ा सा और जानते हैं कॉर्डेट के बारे में। पहला पॉइंट हो गया, याद रखना ये एग्जाम में आ सकता है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं ऐसा, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट, दोनों में डिफरेंस लिखो 2 मार्क्स के लिए, तो इसलिए ध्यान से देखो, बस यही पॉइंट लिख दोगे काम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं नर्व कॉर्ड, क्या नर्व कॉर्ड? अभी देखो मैंने जो ब्लू से बना रखा है ये वाला, ये ब्लू से जो बना रखा है ये है नर्व कॉर्ड। क्या बेटा जी?
नर्व कॉर्ड. अब ये क्या होता है नर्व कॉर्ड? अरे नर्व कॉर्ड मतलब न्यूरॉन्स, नर्व्स, है ना. अभी देखो मैं इसको मारने गया ऐसा, तो ये ऐसे फटाक से हट गया क्योंकि उसने सेंस किया, उसके नर्व्स ने फटाक से वो मैसेज गया उसके पास, फिर वापस वो हट गया. या एक तमाचा अगर खींच के मारूंगा तो चोट लगेगा, है ना, चोट लगेगा ना. तो जैसे यहां पे जाता है, यहां पे नर्व्स है, न्यूरॉन्स है, वो उस मैसेज को लेके जाते हैं, फिर ब्रेन बोलता है चोट, फिर आपको चोट दी चोट है गिरी, फिर आपको गुस्सा आएगा, है ना, मन में उल्टा पुल्टा बोलोगे कि सर बहुत बेकार है, है ना, जो भी हो. तो कहने का तो नर्व कॉर्ड समझ में आया, नर्व्स न्यूरॉन जो आगे जाके बनता है स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन. ब्रेन ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड जो बनाया मैंने, ये नोटू कौन बनता है, नर्व कॉर्ड आगे जाके. ये नर्व कॉर्ड आगे जाके क्या बनता है बेटा जी, बोलो जल्दी, स्पाइनल कॉर्ड. ये स्पाइनल बोन बनाता है, याद रखना, ये स्पाइनल बोन और ये स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन. देखो ये ब्रेन बनाता है और ये स्पाइनल कॉर्ड. ये स्पाइनल कॉर्ड इस हड्डी के अंदर होता है. स्पाइनल कॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये स्पाइनल कॉर्ड हम में हॉलो होता है. हॉलो मतलब छेद, जिस तरह ये मार्कर है, मार्कर है, अभी देखो एक मिनट उसको उठाओ जरा. ये देखो मैंने ये क्या है, हॉलो है, दिख रहा है हॉलो, है ना, जिस तरह हमारा पेन हॉलो होता है, अंदर से खोखला है ना. yes, इसी तरह हमारा क्या खोखला होता है भाई, स्पाइनल कॉर्ड भी अंदर से होता है, लेकिन पतला सा होता है, उसका जो होल होता है वो पतला सा होता है. तो हम में स्पाइनल कॉर्ड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा. तो कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड होगा, यस, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा, यस, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट, लेकिन कैसा होगा, हॉलो, कैसा होगा, हॉलो, हॉलो. और कितना होगा, एक, ठीक है, सिंगल, सिंगल हॉलो होगा और सिंगल होगा. लेकिन अगर मैं बात करूं ना नॉन कॉर्डेट्स की, नॉन कॉर्डेट्स की, तो बेटा जी नॉन कॉर्डेट में ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो मे बी प्रेजेंट, इसीलिए बोल रहा हूं मे बी, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अगर होगा तो उनमें दो दो होगा, जोड़े में दो दो स्पाइनल कॉर्ड होगा, इस तरीके से दो दो होगा, ऐसा दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़ा होगा, दो दो होगा. तो इनमें कैसा होगा, पेयर्ड, हमें सिंगल था उनमें जोड़े में, और हमारा अंदर से हॉलो था उसका पूरा सॉलिड होगा, अंदर से पूरा सॉलिड होगा, मतलब खोखला नहीं होगा, पूरा सॉलिड होगा. एक चीज और, हमारा स्पाइनल कॉर्ड कहां पे होता है, पीछे की साइड, पीछे की साइड, लेकिन उनमें स्पाइनल कॉर्ड कहां होगा, आगे के साइड. तो आगे को क्या बोलते हैं हम लोग, वेंट्रल, आगे को वेंट्रल और पीछे को डॉर्सल, आगे को वेंट्रल. तो देखो नोटोकॉर्ड में, नोटोकॉर्ड की अगर बात करूं तो हमारा कहां है, पीछे, पीछे. तो यहां पे हम क्या लिखूंगा मैं, डॉर्सल साइड. हम लोग का कहां पे होगा भाई, डॉर्सल साइड, ठीक है, पीछे. और इनमें जो नॉन कॉर्डेट्स होंगे, इनमें आगे की तरफ. तो क्या लिख दूं बेटा जल्दी बताओ, यहां पे वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड. एक्चुअली वो ना जमीन में चलते हैं ऐसे ऐसे, तो जमीन की तरफ उनका क्या रहेगा, नर्व कॉर्ड. समझ में आया, क्लियर है. तो क्या बोला, नोटोकॉर्ड जिसमें होगा कॉर्डेट्स, जिसमें नहीं होगा नॉन कॉर्डेट्स, नर्व कॉर्ड जिसमें होगा कॉर्डेट. क्या नोटोकॉर्ड में नहीं होगा, होगा. फर्क क्या है, हमारा नर्व कॉर्ड कैसा होगा, हॉलो, सिंगल, डॉर्सल साइड, उनका पेयर, सॉलिड, वेंट्रल साइड, याद रहेगा. उसके बाद नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं गिल स्लिट्स, सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए. हम में क्या होता है, लंग्स होता है बेटा, ठीक है, लंग्स होता है. और मछलियों में क्या होता है, गिल स्लिट्स, गिल्स होते हैं, ठीक है. तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता रखा है, फिर से बता रहा हूं, कि जो मछलियां होती हैं वो पानी से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती हैं. इसका मतलब ये नहीं कि H2O जो है ना, इसमें से O ले लेती होगी और H2 निकल जाता होगा. ऐसा रहेगा तो पानी ही खत्म हो जाएगा. और ये इतना आसान नहीं है H2O को तोड़ना. H2O को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, करंट देना पड़ता है, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं उसको. करंट देंगे तब जाके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग होता है. मतलब वो मछलियां पानी के अंदर से ऑक्सीजन नहीं लेती है, बल्कि पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन लेती है. मतलब H2O में, इस पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है. जिस तरह ये जो है स्टिंग, इसके अंदर क्या डिजॉल्व है, कार्बन डाइऑक्साइड. देखो अभी निकला गैस, दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड. इसके अंदर क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये डिजॉल्व है कि नहीं, इसमें डिजॉल्व है इसलिए गैस निकलता है. उसी तरह ऑक्सीजन भी पानी में घुल जाता है. ये प्रकृति की बहुत बड़ी लीला है. अगर ऐसा नहीं होता तो एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में रहने वाले जानवर मर जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को डिजॉल्व करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. जो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन होता है वही लेते हैं. मतलब उनके पास एक गिल्स होता है, गिल्स. इस गिल के जरिए पानी जाता है.
ऐसे पानी जा रहा है इस गिल्स के जरिए। अब पानी के अंदर ऑक्सीजन मिला हुआ है तो उस ऑक्सीजन को ये ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और यहाँ पे इस तरीके से छेद रहता है, फिर उस छेद से पानी निकल जाएगा। जो भी इसके अंदर का ऑक्सीजन देगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा और पानी क्या होगा, निकल जाएगा। तो गिल से क्या करते हैं, वो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन को ले लेते हैं, इस तरह सांस लेते हैं। इसीलिए मछली को जब बाहर निकालते हो तो मर जाती है। मछली जल की पानी है। जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बाहर निकालने में मरती क्यों है, क्योंकि बाहर निकालोगे उसके पास गिल्स है, हमारे पास लंग्स है। लंग्स है तो हम लोग एटमोसफेयर में से जो एटमोसफेयर में ऑक्सीजन है उसको डायरेक्टली नाक के जरिए लेते हैं और सांस ले लेते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में चला जाता है। लेकिन वो जो है ना, उनके पास क्या नहीं है, लंग नहीं है, तो वो ऑक्सीजन ले ही नहीं सकते, वो पानी से ही ऑक्सीजन ले सकते हैं। समझ में आया? इसीलिए वो बाहर निकालने पे मर जाते हैं और हम पानी में जाने के बाद मर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास गिल्स नहीं है। हम पानी में मर जाएंगे, वो बाहर मर जाएंगे। क्लियर हुआ? तो फेरेंगियल गिल स्लिट्स कॉर्डेट्स में होता है। अब बोलोगे सर गिल स्लिट्स जो है वो कॉर्डेट्स में क्यों है, तो बेटा जी यही आगे जाने के बाद आप बोल सकते हो नॉर्मल समझने के लिए कि लंग बन जाता है। और इससे ये साबित होता है कि हमारे एंसेस्टर एक्वेटिक एनिमल्स थे, मतलब हम पहले फिश थे, तभी तो हमारे जब छोटे हैं तो गिल्स है। देखो ये गिल्स, ये जो बनाया हुआ है ये गिल स्लिट्स है, ये जो बना हुआ है ये छोटे छोटे छेद है, गिल स्लिट्स। क्या ये गिल स्लिट्स, जो आप बोल सकते हो आगे जाके क्या बनेगा, लंग, फेफड़ा। ठीक है, एक्चुअली हमारे बॉडी में वो गिल स्लिट्स फेफड़ा नहीं बनता बल्कि ईयर लोब के नीचे का एक पार्ट बनाता है, लेकिन समझने के लिए आप बोल सकते हो। तो कहने का मतलब गिल स्लिट्स, जब छोटा बच्चा जब माँ के वूम में रहता है, यूटरस में रहता है, तब गिल स्लिट्स रहता है लेकिन बाद में नहीं रहता है। इससे ये पता चलता है कि हमारे एंसेस्टर पहले मछली थे, क्योंकि उनमें भी गिल स्लिट्स होता है। समझ में आया? तो ये भी एक एविडेंस है इवोल्यूशन का, बाय द वे। तो गिल स्लिट्स होगा, होगा, ठीक है। फेरेंगियल गिल स्लिट्स बोल लो या गिल स्लिट्स बोल लो, ठीक है, या लंग्स बोल लो, है कि नहीं? अच्छा, इनमें होगा गिल स्लिट्स? नहीं होगा। इनमें गिल स्लिट्स क्या होगा भाई? नहीं होगा। तो इसमें लिख दूं मैं, गिल स्लिट्स नहीं होगा, अब्सेंट है, सही है, अब्सेंट है गिल स्लिट्स, इसमें नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो है बेटा जी हमारा, वो है दिल है कि मानता नहीं, है ना, दिल है कि मानता नहीं। दिल की बात होती तुम बहुत खुश हो जाते हो ना। चलो ठीक है, याद रखना भैया, दिल प्यार वार नहीं करता है। दिल जो है बोलते हैं दिल धक धक कर रहा है, दिल धक धक भी नहीं करता है। दिल की आवाज होती है लब डब, लब एल यू बी, लब, लब नहीं, लब एल यू बी, उसकी आवाज होती है एल यू बी, लब डी यू बी, डब, लब डब, लब डब, ऐसा मतलब दिल धक धक कर रहा है, धक धक लब डब कर रहा है, ऐसा होना चाहिए था उसमें, है कि नहीं? चलो साइंस का कोई टीचर रहेगा तो उसको अगर रिप्लेस करेगा तो ऐसे करेगा, दिल धक धक नहीं, दिल लब डब कर रहा है। खैर, सो और ये दिल का काम होता है ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ब्लड सर्कुलेशन का, ना कि प्यार करने का भैया, ब्लड सर्कुलेशन का, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए दिल होता है, बिल्कुल होता है। अरे तुम्हारे बॉडी में दिल नहीं है? दिल है, जो दे बैठते हो, है कि नहीं? दिल दे कैसे सकते हो भाई, बोलते मैंने तो दिल दे दिया, दिल दे दो मर जाएगा भैया, सर्कुलेशन पूरा रुक जाएगा हार्ट का, है कि नहीं? तो चलो देखो अभी दिल, हार्ट, हार्ट अगर इनमें होगा तो किधर होगा, आगे की तरफ है ना हमें हार्ट, आगे मतलब वेंट्रल। अच्छा, तो हमें हार्ट कहां पे होगा? वेंट्रल। और भाई साहब इनमें अगर दिल होगा तो वो पीछे होगा, आखिरी आदमी है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड कहां है? आगे, और दिल कहां है? पीछे। भाई साहब तो यहां पे लिख दूं मैं, क्या लिख दूं? दिल, दिल किधर होगा? पाछे, मतलब क्या? डॉर्सल, 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 डॉर्सल साइड पे, ठीक है। ये चार पॉइंट फटाक से रिवाइज करते हैं। नोटोकॉर्ड जिसमें होगा, कॉर्डेट में क्या होगा? नोटोकॉर्ड होगा, यस। नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड नहीं होगा। नर्व कॉर्ड होगा, होगा तो कैसा होगा? हॉलो, सिंगल, सिलेंड्रिकल, सॉरी सिलेंड्रिकल बोल, डॉर्सल साइड, हॉलो, सिंगल, डॉर्सल साइड। और इसमें अगर होगा तो पेयर्ड, सॉलिड और वेंट्रल साइड। अच्छा, गिल स्लिट्स होगा, होगा, इसमें नहीं होगा। दिल होगा, होगा, कहां पे होगा? वेंट्रल। इसमें दिल होगा, होगा, कहां होगा? डॉर्सल। कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट समझ में आया? कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट समझ में आया सर? तो ये हो गया कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स में फर्क, जो दो मार्क के लिए आता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया। तो अभी हमने देखा कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स, ये मेन दो ग्रुप में बांटा गया, किसको? किंगडम एनिमेलिया को। कितने ग्रुप में? दो ग्रुप में। अभी वही डायग्राम यहां पे है, नोटोकॉर्ड, इसमें भी देख सकते हो ये नोटोकॉर्ड,
उसके ऊपर वाला नर्व कॉर्ड जो आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम है, ठीक है, और ये गिल स्लिट्स हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। थोड़ा सा इनका डायग्राम में माउथ दिखाया गया है, माउथ, और ये एनस है, माउथ के जरिए खाना खाएगा, और ये एनस है, ठीक है, ये टेलफिन है, ठीक है। बताया गया कि नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड के बारे में बताया गया, कॉर्डेट्स के फीचर है, कॉर्डेट में नर्व कॉर्ड भी होते हैं और नोटोकॉर्ड भी होते हैं, क्योंकि नोटोकॉर्ड है तो कॉर्डेट है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। अब देखो इस कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स को आगे सब ग्रुप में बांटा गया, ये मेन ग्रुप है। अब इनसे जो छोटा ग्रुप है उसको बोलते हैं हम लोग फाइलम, क्या बोलते हैं फाइलम, क्या बोलते हैं बेटा फाइलम, फाइलम नाम रखा है, क्या नाम रखा गया है फाइलम। तो नॉन कॉर्डेट में टोटल 10 फाइलम है, कितने फाइलम है 10 फाइलम, इसके अंदर कितने फाइलम है बेटा, इसके जो सब ग्रुप है इसका नाम क्या है फाइलम, क्या नाम है भाई फाइलम, फाइलम, इसके फाइलम को हम लोग बोलते हैं फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेट्स का फाइलम का ये नाम क्या रख दिया गया है फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। और यहां पे टोटल 10 फाइलम है, पहला फाइलम मतलब देखो ये मेन ग्रुप है, अब ग्रुप ये मेन ग्रुप था, अब उसके सब ग्रुप छोटे छोटे ग्रुप्स, अब उसी ग्रुप की स्टडी करनी है हमको पूरे चैप्टर में एक एक करके वन बाय वन। तो देखो पहला है हमारा प्रोटोजोआ, क्या है प्रोटोजोआ, दूसरा है हमारा पॉरीफेरा, क्या बेटा जी पॉरीफेरा, पॉरीफेरा, ठीक है। उसके बाद बेटा जी तीसरा क्या है नाइडेरिया, नाइडेरिया, उसको हम लोग सीलेंट्रेटा भी बोलते हैं, नाइडेरिया को क्या सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा भी बोलते हैं, अच्छा ठीक। उसके बाद तीसरा बेटा चौथा बेटा जी प्लैटी हेलमेंथिस, प्लैटी हेलमेंथिस सब बताऊंगा अभी, पहले देखो प्लैटी हेलमेंथिस बेटा जी, पांचवा है एसके हेलमेंथिस, क्या एसके हेलमेंथिस, एसके हेलमेंथिस, अच्छा अच्छा। उसके बाद छठा है जी बेटा जी एनिलीडा, क्या एनिलीडा। उसके बाद ऑर्थ्रोपोडा, क्या ऑर्थ्रोपोडा, पोडा। उसके बाद मॉलस्कस, मॉलस्कस, क्या मॉलस्कस, ठीक है। उसके बाद बेटा जी इकाइनोडर्मेटा, क्या इकाइनोडर्मेटा। और उसके बाद हेमिकॉर्डेटा, देखिए बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डरते हैं इतने गंदे गंदे नाम से, नाम है आप क्या कर सकते हैं, लेकिन डोंट वरी इसको ट्रिक के फॉर्म में याद कर लेना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो इस पूरे फाइलम को कितने सेकंड में, 10 सेकंड में आप याद कर लोगे अगर आपको ट्रिक मालूम रहेगा तो, है कि नहीं। मैंने इसके लिए ट्रिक बनाया है, पहले एक छोटी सी स्टोरी सुन लो, है कि नहीं, उस स्टोरी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो हाँ एक परी है, ठीक है, जो प्रोब है भाई, प्रो परी, उसके पास एक प्लेट है, जादुई प्लेट, अगर वो प्लेट वो सामने रखेगी तो तुम जो भी मांगोगे तुम्हारी मांगे पूरी हो जाएगी, जैसे अलादीन का जिन जो था, है ना, जो मांगता था वो मिलता था, उसी तरह परी है, परी के पास एक प्लेट है, ठीक है, वो प्रो है भैया परी, उसके पास एक प्लेट है जादुई प्लेट, आप जो भी मांगोगे, जो भी आरजू करोगे, जो भी तमन्ना करोगे, तुम्हारी मुराद, तुम्हारी तमन्ना, तुम्हारी आरजू पूरी हो जाएगी, चाहे तुम कुछ भी मांग लो, मौका है। क्या मांगते हैं लड़के, लड़के तो जानते ही हो क्या मांगेंगे, देख लो भैया अभी यहाँ पे क्या मांगेंगे, देखो ये हमारा प्रो, प्रो परी, देखो प्रो परी, प्रो परी को या प्रो परी का सी फोर का, प्रो परी का, प्रो परी का प्लेट, प्रो परी का प्लेट, प्रो परी का प्लेट, प्रो परी का प्लेट है। आस्क मांग, आस्क मांग, ठीक है। एन आरजू, एक आरजू मांग, आरजू मतलब क्या तमन्ना, आस्क एन आरजू, आस्क एन आरजू के मिल जाए, के मिल जाए, मिल जाए मॉल में, मॉल में कि मिल जाए मॉल में एक हेमा, एक हेमा, क्या मिल जाए भैया एक हेमा, देख रहे हो मतलब बॉयज क्या मांग रहे हैं भैया, हेमा मांग रहे हैं, ठीक है। तो प्रो परीका प्लेट, प्रो परीका प्लेट, आस्क एन आरजू, आस्क एन आरजू कि मिल जाए, मिल जाए, आस्क एन आरजू कि मिल जाए मॉल में एक हेमा, क्या प्रो परीका प्लेट, प्रो परीका प्लेट, आस्क एन आरजू कि मिल जाए मॉल में एक हेमा, याद हो गया। ये सीक्वेंस में याद करना जरूरी है, इसलिए ट्रिक बताया हूं, ये सीक्वेंस ऑर्डर में याद करना जरूरी है। प्रो प्रोटोजोआ, हा परी पॉरीफेरा, प्रो परी का नाइडेरिया, हा प्लेट प्लेटी हेलमेंथिस, आस्क एस्के हेलमेंथिस, हा क्या आस्क एन एनिलीडा, आरजू ऑर्थ्रोपोडा कि मिल जाए मॉल में मॉलस्का, एक
एगैनोडर्मेटा है ना, उसके बाद क्या हेमा हेमिकॉर्डेटा। क्लियर है? ये दसों फाइलम याद करने का सबसे आसान तरीका आप उसको याद कर सकते हो। सवाल उठता है कि सर सीक्वेंस फॉलो करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इवोल्यूशन इसी तरीके से हुआ है। मतलब हम पहले प्रोटोजोआ थे, प्रोटोजोआ होता है यूनिसेल्यूलर, क्या होता है यूनिसेल्यूलर, और बाकी जितने भी हैं ये सब है मल्टीसेल्यूलर, क्या है मल्टीसेल्यूलर। तो हम पहले यूनिसेल्यूलर थे, यानी कि इसी के अंदर आता है अमीबा, जो मैंने पहले बताया अमीबा। एक्चुअली ये फाइलम हम पढ़ने वाले नहीं है, ये फाइलम हम पढ़ने वाले नहीं है, क्यों? क्योंकि ये प्रोटोजोआ मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इसको रख दिया गया, मतलब इसके लिए एक अलग किंगडम बना दिया गया। पहले चार किंगडम थे और उस एनिमेलिया किंगडम के अंदर आता था कौन, ये प्रोटोजोआ, किंगडम एनिमेलिया में फाइलम में आता था, लेकिन अभी क्योंकि सारे के सारे मल्टीसेल्यूलर हैं तो इस किंगडम, इसके लिए एक अलग किंगडम बना दिया गया, इसका नाम क्या है किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमको पढ़ना है किंगडम एनिमेलिया, तो ये किंगडम प्रोटिस्टा में, तो हम पढ़ेंगे पॉरीफेरा से पूरा पूरा। क्लियर हुआ? ठीक। तो ये है नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम, जो 10 है जिसमें से हमको 9 ही पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद कॉर्डेटा, ये फाइलम क्या है कॉर्डेटा। अब फाइलम कॉर्डेटा के अंदर सब फाइलम है बेटा जी, ये क्या है फाइलम। अब इसके अंदर भी क्या है सब फाइलम, क्या है भाई साहब सब फाइलम। उस सब फाइलम का नाम है एकदम आसान, एकदम आसान, यूरोसेफैलो, ऐसे याद रखो यूरोसेफैलो, 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 और तीसरा वर्टेबरेटा, वर्टेबरेटा। सेफैलो बाप का नाम लगा दो, कॉर्डेटा सरनेम, कॉर्डेटा ये यूरो कॉर्डेटा सरनेम, ये नालायक है जो अपने बाप का नाम फॉलो नहीं कर रहे हैं, और इसी नालायक कैटेगरी में हम लोग आते हैं, ठीक है। वर्टेबरेटा, सच में ये यूरो कॉर्डेटा सेफैलो कॉर्डेटा हम लोग आते हैं वर्टेबरेटा के अंदर, मतलब हम हमारी बॉडी जिसके वर्टेबरेटा इसलिए बताता है जिसके बॉडी के अंदर वर्टेब्रल कॉलम है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड है, और वो हम में अच्छे से, हाँ। तो इस वर्टेब्रेटा के अंदर ये सब फाइलम है। अब सब फाइलम के अंदर एक और ग्रुप बनाया गया है जिसको बोलते हैं क्लास, क्या बोलते हैं क्लास। टोटल 6 क्लास है, कितने क्लास है 6 क्लास। कौन कौन सा, कौन कौन सा, 8th 9th 10th 11th 12th नीट 6 क्लास है कि नहीं। तो ये वाला क्लास नहीं है, यहाँ पे एक अलग क्लास है, ठीक है। वो क्लास को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे ठीक है। अब देखो उसको याद करने का तरीका है साइको पे एम, साइको पे एम रे अबे मी। देखो साइको मन समझो, अब इसकी स्टोरी समझ जाओ भाई, एक आदमी जो साइको है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो उस साइको को, जानते हो कार्टून हो वैसे भी तुम लोग, जहाँ कोई भी कुछ मिला बस उसको उसकी लेना चालू कर देते हो, है कि नहीं, सोचते हो सबका मजा ले लेते हो एकदम यार, है कि नहीं। अब आपने क्या किया, उसको देखा साइको को, वह चल उसको मारेंगे। अब आप साइको पे ऐसा एम लगा रहे थे मारने के लिए, इतने मम्मी आ गई, बोले साइको पे एम रे अबे मम्मी, मम्मी आ गई भागो, मतलब समझ रहा ना। तो साइको पे एम रे अबे मम्मी, देखो साइको से साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, पे से पिसेस, पे से पिसेस, एम से एम्फीबियंस, 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 है कि नहीं। यहाँ पे कुछ जॉलेस एनिमल्स की बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे मछलियों की बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम मेंढक की बात करेंगे, एम्फीबियंस की, रेप्टिलिया रेंगने वाले की, सांप की, स्नेक की बात करेंगे, ठीक है, लिजार्ड की बात करेंगे, छिपकली, रेप्टिलिया, रेप्टिलिया। उसके बाद एप्स, एप्स यानी कि पक्षी की बात करेंगे हम लोग, है ना, कबूतर जा 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 यहीं पे आएगा, है कि नहीं। उसके बाद मैमेलिया, मैमरी ग्लैंड, जिसके अंदर हम आएंगे, मैमेलिया मतलब जिसको मैमरी ग्लैंड हो, मतलब मम्मी जो बच्चे को अपने दूध पिलाती है, दैट मेमोरी ग्लैंड, जिसके पास भी मेमोरी ग्लैंड है उसको बोलते हैं ममेलिया। हम लोग किस में आते हैं, ममेलिया, यानी कि हम लोग किंगडम एनिमेलिया के अंदर, कॉर्डेट्स के अंदर, सब फाइलम में, वर्टेब्रेट के अंदर, क्लास में ममेलिया के अंदर आते हैं, समझ में आया। तो इस तरीके से बंटवारा क्या, जबकि बहुत कम है, सोचो अगर एक एक की स्टडी की जाती तो क्या होता, पूरा ग्रुप ममेलिया में, पूरा ग्रुप है ममेलिया में, मंकी भी है, हाँ ममेलिया में मंकी है, ममेलिया में एप्स है, ममेलिया में हम लोग हैं, ममेलिया में बैट भी है, चमगादड़, जिसके जिसके पास मेमोरी ग्लैंड है सब ममेलिया के अंदर आता है, समझ आ रहा है। और एप्स में जितने भी पक्षियां हैं वो आते हैं। तो देखो ना अभी अभी स्टडी कैसे कर पाते हैं हम इतनी बड़ी स्टडी, तो सिमिलरिटी देखा कि भाई पक्षियों के पास क्या होता है, विंग्स होता है, फिदर होता है ना, और उसमें वीक होता है चोंच, वो सब घोंसले में रहते हैं, है ना,
प्लांट पे रहते हैं, तो ये सब सिमिलरिटी मैच की, तो सारे के सारे पक्षियों को एक ग्रुप बना दिया जिसको बोलते हैं एप्स, है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? तो उसी तरह ग्रुप में बंटवारा किया गया है जिसमें सिमिलरिटी देखी गई, सबसे ज्यादा सिमिलरिटी किसमें है, तो सिमिलरिटी को देख के ग्रुप बनाया गया और वही हमारा क्या ग्रुप है ना। तो किंगडम एनिमल को दो मेन ग्रुप कौन कौन सा बोलो, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। किंगडम एनिमल को दो मेन ग्रुप कौन कौन सा, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। दोनों को फाइलम में डिवाइड किया गया सब ग्रुप, इसमें कौन सा फाइलम है, फाइलम कॉर्डेटा, इसमें कौन सा फाइलम है, फाइलम कॉर्डेटा, और इसमें कितने फाइलम है, 10 फाइलम है, जिसमें से एक किंगडम बन चुका है, तो 9 फाइलम। तो पहला कौन है, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, नाइडेरिया, प्लैटीएलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनिलीडा, ऑर्थ्रोपोडा, मॉलस्कस, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, है ना, टोटल 10 है, ऐसे याद हो गया। हाँ क्या क्या भाई, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, नाइडेरिया, प्लैटीएलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनिलीडा, ऑर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। अरे खिलवाड़ है, खेल दो, है कि नहीं, ये हो गया तुम्हारा। और इसमें भाई क्या होगा, कॉर्डेटा में सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टेब्रेटा, वर्टेब्रेटा में साइक्लोस्टेमेटा, पिंसेस, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एप्स, ममेलिया। अरे वाह वाह वाह, यही है पूरा चैप्टर, इसी को एक एक करके डिस्कस करना है। ये तो नहीं पढ़ेंगे, पॉरीफेरा को पढ़ेंगे, फिर नाइडेरिया, फिर प्लैटी, फिर एसकेएनए, ये सब, फिर उसके बाद कॉर्डेटा में यूरो के बारे में पढ़ेंगे, सिफेलो के बारे में, वर्टेब्रेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर वर्टेब्रेट में ये सब पढ़ेंगे, फिर चैप्टर जाएगा स्वाहा। इस तरीके से हमारा पूरा पूरा चैप्टर चलेगा, समझ में आया। तो ये था इंट्रो लेक्चर, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में, ठीक है, हम लोग देखेंगे क्राइटेरिया, मतलब ये जो इस तरह क्लास क्लासिफाई किया गया है, किस क्राइटेरिया पे उनको क्लासिफाई किया गया है, वो क्राइटेरिया पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, और उसके बाद क्या चालू करेंगे हम लोग, एक एक करके फाइलम। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय।